हाय वेलकम टू PLP एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की सीरीज़ में आज मैं आपको लेके आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दैट इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 59 ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ऑफ गुड़गांव। आई एम टॉकिंग अबाउट महिंद्रा लुमिनियर दैट इज़ स्प्रेड ओवर 8 acres ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल लैंड, जिसमें कि आपको 3 हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल टावर्स मिलते हैं। टावर ए और टावर सी ऑलरेडी 4-5 साल पहले लॉन्च किए गए थे, ऑलरेडी डिलीवर्ड है और 90% ऑक्यूपेंसी के साथ लोग उसमें ऑलरेडी रह रहे हैं। बात करते हैं टावर बी की, तो आज से 3 या 4 महीने पहले टावर बी में कुछ बुकिंग्स ओपन करी थी और सेम डे में ही कुछ बुकिंग्स एक्सेप्ट करने के बाद डेवलपर ने उन बुकिंग्स को क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद जो आपके पर मंथ था 4 से 5 यूनिट्स बिल्डर बेचता था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि बिल्डर्स ने जितनी भी उनके पास यूनिट्स बची हुई थी, 50 से 60 यूनिट्स बची हुई थी, वो सारी ओपन कर दी है मार्केट में बुकिंग के लिए। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है, अगर आप पहले इस चांस को अवेल नहीं कर पाए तो आज की डेट में आप इस चांस को अवेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री इस प्रोजेक्ट के अंदर निकाली है डेवलपर ने, जिसमें कि आपको 3 BHK प्लस लाउंज के साथ आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं और उसके साथ साथ ही आपको इसमें पेंट हाउस के ऑप्शन भी मिलते हैं, जिसमें कि 4 टोटल पेंट हाउस है और उसमें से अभी एक पेंट हाउस ओपन किया है फॉर द सेल। अब बात करते हैं महिंद्रा लुमिनियर की, तो सेक्टर 59 में लोकेटेड है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये आपका 84 मीटर की जो रोड आती है उस पर ये लोकेटेड है, 84 मीटर से डायरेक्ट एंट्री है इस प्रोजेक्ट के अंदर। नियरेस्ट जो है आपका गोल्फ कोर्स रोड का जो मेट्रो स्टेशन वो है सेक्टर 56, यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पे है। सराउंडिंग की बात करूँ तो इसके बिल्कुल सराउंडिंग में आपको कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट करके एक प्रोजेक्ट लगता है, जो अगेन इसी लेवल का प्रोजेक्ट है। उसमें भी 7-8 एकड़ की लैंड है, 4 से 5 टावर्स हैं, उसमें भी आपका इसी लेवल की इसी कैटेगरी के आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं। और इसके साथ में ही एक आइरियो ग्रैंड आर्च करके रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स लगता है, और साथ में ही आपके कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कि आपका मैग्नम टावर्स हैं, आपका गुडर्थ का कमर्शियल है। उसके साथ साथ ही यहाँ से लगभग 700-800 मीटर पर यहाँ से 150 से 200 एकड़ का जो SEZ एरिया है, जहाँ पर आपका टाटा इटालियन पार्क है और दूसरा SEZ है, वो आपका लगता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से टेनेंट आपके ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो जो ये सराउंडिंग है वो ऐसी है कि जहाँ पर आपका हाई एंड रेजिडेंशियल भी है और उसके साथ साथ ही आपका कमर्शियल स्पेस भी है, तो अच्छी लोकेशन है, गल्फ कोर्स से नज़दीक की लोकेशन मानी जाती है। वैसे तो मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इस प्रोजेक्ट के क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर अच्छी खूबियाँ हो ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ एक दो नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है 10 से 12 मिनट की, और साथ ही साथ एक वीडियो बनाई है जिसमें कि कॉन्शियंट हाइंस एलिवेट और जो महिंद्रा लुमिनियर है उसका कंपेरिजन भी किया है। उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, आप उन चीज़ों को देख सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू महिंद्रा लुमिनियर, जो सबसे अच्छी बात है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो पॉइंट्स है वो ये है कि एक तो जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर निकाला गया है वो है रैप अराउंड बालकनीज का, आपको बहुत ही अच्छी बालकनीज इसके अंदर मिलती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है आपको प्राइवेट एलिवेटर का कॉन्सेप्ट, पर फ्लोर इसमें आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलते हैं और जो सारे अपार्टमेंट्स हैं वो आपके ईस्ट या वेस्ट को फेस करते हैं, तो आपका जो अपार्टमेंट है वो वास्तु कंप्लाइंट है और आपको जो धूप है वो प्रॉपर मिलती है आपके अपार्टमेंट के अंदर। जो टावर्स का गैप है वो अगर आप देखोगे तो 8 एकड़ में आपको 3 ही टावर्स है, तो आपस में जो गैप है, बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहीं आपको ऐसा नहीं है कि जो दूसरा टावर है वो आपके अपार्टमेंट को ओवरशैडो करेगा, तो बीच में आपको प्रॉपर एरिया मिलता है जहाँ पे ग्रीनरी क्रिएट की गई है। तो उस तरह से क्या है कि जो बीच का गैप होने की वजह से आपका जो व्यू है वो डिस्टर्ब नहीं होता। उसके साथ साथ जो इसका एक अच्छा पॉइंट है जो मुझे पर्सनली लगता है वो है इसका फ्लोर प्लान, फ्लोर प्लान इसका बहुत ही शानदार है। जब मैं आपको सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगा तो मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसमें क्या कर रखा कि व्हेन यू एंटर इनटू योर अपार्टमेंट, जो आपका सोशल एरिया है और जो प्राइवेट एरिया है उसको टोटली सेग्रीगेट कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो अपनी प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे अपार्टमेंट्स हैं। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ अबाउट महिंद्रा लुमिनियर, सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 BHK प्लस लाउंज का सैंपल अपार्टमेंट विच इज़ बिल्ट ओवर 3100 square feet ऑफ एरिया। सो लेट्स गो।
सो दिस इज़ द पर्सनल लिफ्ट लॉबी जो कि महिंद्रा एल्यूमिनियम में आपको मिलती है। अगर आप उसका साइज़ देखोगे तो साइज़ यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है 711x83 आपका ये साइज़ मिलता है। और ये है आपका एंट्री गेट जिसके थ्रू आप अपने अपार्टमेंट को एंटर करते हैं। काफ़ी वाइड एंट्री आपको मिलती है अपने अपार्टमेंट के लिए। और इस टाउनशिप के अंदर आपको 3-tier सिक्योरिटी मिलती है टू मेक यू फील सेफ एंड सिक्योर जब आप अपने अपार्टमेंट के अंदर होते हैं। सो ये है आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया इस अपार्टमेंट का। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस लिविंग और डाइनिंग एरिया आपका निकाला है। बहुत ही अच्छे से इसमें आप अपना 7-seater सोफ़ा और 6-seater जो डाइनिंग टेबल है इजीली इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि डेवलपर की तरफ से आपको क्या मिलता है। तो इटालियन मार्बल की आपको इसमें फ्लोरिंग मिलती है, आपको VRV एयर कंडीशनिंग मिलती है इस अपार्टमेंट के अंदर। और ये है आपकी रैप अराउंड बालकनी जो कि आपके डाइनिंग एरिया से स्टार्ट होकर आपके आगे जो बेडरूम्स है, 3 bedrooms है, वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका फ्लोर प्लान, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में आपको किचन और आपका जो सर्वेंट रूम है वो मिलता है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात करूँ तो आपको पाउडर रूम, फैमिली लाउंज और आपके जो 3 rooms है वो आपको मिलते हैं। तो टोटली जो आपका सोशल एरिया है इधर वाला, वो आपका टोटली सेग्रीगेट है आपके पर्सनल स्पेस से। तो ये अगर आप प्राइवेट लाइफ में ज़्यादा किसी को इंटरफेरेंस नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ये फ्लोर प्लान है। सो वी आर डन विद लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ दिस अपार्टमेंट। नाउ लेट मी शो यू द किचन एंड सर्वेंट रूम ऑफ दिस 3 BHK अपार्टमेंट। सो दिस इज़ द किचन एरिया जो कि आपका काफ़ी स्पेशियस किचन एरिया है। फुली मॉड्यूलर किचन एरिया आपको मिलता है अलॉन्ग विद चिमनी हॉब्स। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें आपको अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, हर चीज़ इंस्टॉल करके मिलती है। और इसके साथ साथ ही आपको यूटिलिटी बालकनी भी मिलती है जहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके साथ साथ ही ये यहाँ पर आपको फ्रिज का एरिया दिया गया है। जब आपको किचन मिलेगा तो यहाँ से वो यहाँ तक का आपका जो एरिया है वो आपको खाली मिलेगा जहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपका जो किचन है काफ़ी डिसेंट साइज़ का किचन है। और इसके साइज़ की मैं बात करूँ तो 8.5x12.1 आपको किचन का साइज़ मिलता है। और ये है आपका सर्वेंट रूम जहाँ से आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है वो सीधा आपके किचन में आ सकते हैं। तो आपका जो प्राइवेट एरिया अगेन वो आपका बिल्कुल सेपरेट ही रहता है। तो एक बार मैं आपको सर्वेंट रूम दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द सर्वेंट रूम जो कि आपका अटैच्ड वॉशरूम के साथ आता है। काफ़ी अच्छा साइज़ है। इसमें अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 5.7x8.10 का आपको डायमेंशन मिलता है सर्वेंट रूम में। उसके साथ आपका अटैच वॉशरूम है और साथ ही साथ आपको एक छोटी सी बालकनी का एक्सेस भी मिलता है आपके सर्वेंट रूम से। सो नाउ वी आर डन विद द किचन एंड सर्वेंट रूम ऑफ दिस 3 BHK अपार्टमेंट। नाउ लेट मी शो यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस हाउस, दैट इज योर पर्सनल स्पेस। लेट मी शो यू द बेडरूम्स। सो ये है आपका पाउडर रूम जिसको कि आप एज ए कॉमन वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। एज़ यू कैन सी फुली फिटेड वॉशरूम आपको मिलता है और ब्रांडेड आपको इसके अंदर फिटिंग्स मिलती है। ओके, सो आफ्टर कॉमन वॉशरूम जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये जो एरिया है इसको आप एज ए फैमिली लाउंज भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी स्पेशियस एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे निकल के आता है जिसको कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कर सकते हो या कभी अगर आपका कोई पर्सनल गेस्ट आए तो वहाँ पर यहाँ पर आप उसको बिठा सकते हो। और इसी के साथ साथ ही अगर आप देखोगे तो ये है आपके 3 bedrooms जो कि आपको लाइन में मिलते हैं। तीनों बेडरूम्स एक एक करके मैं आपको दिखाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेडरूम नंबर 1। सो
सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। एज यू कैन सी काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम मिलता है। इसमें डेवलपर की तरफ से आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है, आपको एसीज मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिलते हैं, और ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, और ये है बैक की बालकनी यानी जो रैप अराउंड बालकनी है उसको एक्सेस करने का, जो आपको एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर दिया गया है उसके थ्रू आप बाहर की बालकनी को एक्सेस कर सकते हैं। सो ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुली फिटेड वॉशरूम आपको मिलता है, आपको ब्रांडेड इसमें फिटिंग्स मिलती है। तो वॉशरूम जो भी है आपके इस अपार्टमेंट के अंदर, हर बेडरूम्स के अंदर आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलते हैं और ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको वॉशरूम मिलते हैं, जहाँ पर आपका शावर एरिया और जो आपका टॉयलेट एरिया उसको सेपरेट किया गया है। सो आफ्टर वी आर डन विद द फर्स्ट बेडरूम, लेट मी शो यू द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस 3BHK प्लस लाउंज अपार्टमेंट। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। कम्पेयर टू अदर टू बेडरूम्स ये थोड़ा सा छोटा है। इसमें आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है, एसीज मिलते हैं, अगेन आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है और एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर के साथ रैप अराउंड बालकनी है उसको एक्सेस मिलता है आपको इस बेडरूम से। सो आफ्टर वी आर डन विद सेकेंड बेडरूम, लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस 3BHK प्लस लाउंज अपार्टमेंट। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम ऑफ दिस 3BHK अपार्टमेंट, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। एज यू कैन सी कम्पेयर टू अदर टू बेडरूम्स इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट इसका जो साइज़ है 17x12 का इसमें साइज़ निकल के आता है। ये है आपका वॉक इन क्लोज़ेट एरिया। जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा एरिया आपका निकाला गया है इसमें, जहाँ पर आपका काफ़ी सामान आ सकता है। और ये है आपका मास्टर वॉशरूम। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम आपको मिलता है। शावर एरिया और जो आपका टॉयलेट एरिया है उसको सेपरेट किया गया है। आपको ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ आपको वॉशरूम मिलते हैं। तीनों ही जो वॉशरूम्स हैं आपके, तीनों बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम है और तीनों ही जो वॉशरूम्स हैं आपको ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ मिलते हैं। सो आई हैव शोन यू अराउंड ऑल द 3 बेडरूम्स, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, लाउंज एरिया, किचन एरिया एज वेल एज सर्वेंट एरिया। नाउ लेट मी शो यू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस अपार्टमेंट, दैट इज़ द रैप अराउंड बालकनी। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक ऑन दिस रैप अराउंड बालकनी। सो दिस इज़ द रैप अराउंड बालकनी, जो कि आपके तीनों बेडरूम्स, आपका जो लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, उसको कवर करता है। और अगर मैं बात करता हूँ तो 5.5 विड्थ में आपको रैप अराउंड बालकनी मिलती है, और जो इस तरफ का जो बालकनी है उसकी जो लेंथ है वो है 47 फीट, और जो उस तरफ की जो आपकी रैप अराउंड बालकनी है उसकी जो लेंथ है वो है 42 फीट। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशियस आपको बालकनी मिलती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो आपके अपार्टमेंट्स की जो बालकनी है वहाँ से आपका अरावली का व्यू भी आपको मिलता है, और किसी किसी अपार्टमेंट की बालकनी से आपको सिटी व्यू भी मिलता है और साथ ही साथ अरावली का व्यू भी मिलता है। सो दिस वॉज द एंटायर टूर अबाउट महिंद्रा लुमिनियर विच इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 59। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू महिंद्रा लुमिनियर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।